शिवराज सिंह वर्मा व एसडीएम घनश्याम धनगर ने आशा ग्राम ट्रस्ट के पदाधिकारी व नगर के डॉक्टर्स की बैठक लेकर 10 सितंबर गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। वहीं कलेक्टर ने बताया कि आशा ग्राम अस्पताल में मरीजों को अन्य निजी अस्पतालों से आधे रेट में उपचार व लेब जांचों की सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल आशा ग्राम के जनक स्वर्गीय हीरो भाई द्वारा आशा ग्राम ट्रस्ट के माध्यम से कम शुल्क पर अस्पताल शुरू किया गया था। समय के साथ आधुनिक सुविधाओं की कमी के चलते अस्पताल बंद हो गया था। वहीं कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा कोरोना काल में कोरोना केयर सेंटर के रूप में यहां कोरोना का उपचार शुरू करवाया। वहीं अब अस्पताल में अधिकांश तरह की बीमारियों के उपचार के लिए आशा ग्राम ट्रस्ट के पदाधिकारी व नगर के डॉक्टर्स के साथ नए सिरे से अस्पताल प्रारंभ करने व नगर के अन्य निजी अस्पतालों से कम रेट पर इलाज उपलब्ध करवाने हेतु विचार विमर्श कर 10 सितंबर गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आशा ग्राम के अस्पताल का शुभारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है, जहां कम रेट पर उपचार व लेब की जांचों में भी लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। आशा ग्राम हॉस्पिटल चालू होने वाला है, क्या-क्या सेवा मिलेगी? आशा ग्राम हॉस्पिटल को प्रारंभ करने के लिए आज यहाँ पर हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ साथ में हमने शहर के जो डॉक्टर्स के साथ मीटिंग किया हुआ है और निर्णय लिया गया है कि 10 सितंबर को हमारा गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है, उस दिन इसका अस्पताल को पुनः प्रारंभ करेंगे। और उसमें चूँकि अस्पताल कैंपस इतना बेहतरीन है, हमारे ज़िले के और आसपास के लोगों को बढ़िया लाभ इसका इलाज मिले, इसकी सुविधाओं को फायदा उठा पाए और मरीजों को भी पूरा अच्छा इलाज मिल पाए, उसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आमजन से हमारे ज़िले में मेरी बात पहुँचे, आसपास के जिलों में मेरी बात पहुँचे, मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि हम लोग इसको बहुत सस्ती रेटों पर हम यहाँ पर इलाज प्लान कर रहे हैं। जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनसे लगभग आधी रेट पर इलाज होगा यहाँ पर। ट्रस्ट का कोई फायदा नहीं है, ट्रस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करेगा। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग जाँच की व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ पर एक जो हमारी लैब है वो यहाँ पर स्थापित होगी, वो यहाँ पर आवश्यक जाँचें भी यहीं पर होंगी। और हम मेडिकल जो हमारा स्टोर है, मेडिकल स्टोर भी हम प्रारंभ करेंगे, उसमें भी डिस्काउंटेड रेट पे यहाँ पर दवाई दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। तो इसमें हमारा ओटी भी यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ है, जिले में सबसे बेस्ट ओटी है, ऑपरेशन थिएटर, इसको भी हम प्रारंभ करेंगे। तो इसका सबसे अधिक लोग लाभ उठाएं, गरीब जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इलाज करा पाएँ, हम उसकी व्यवस्था भी सोच रहे हैं। और आगे भविष्य में इस अस्पताल को हम लोग आयुष्मान जो निरामय स्कीम है उससे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ पर लोगों को जो जिन पर आयुष्मान कार्ड है उनको फ्री में इलाज भी हो पाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।